नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आज आपके लिए एक ऐसी हटके वीडियो लेके आया हूँ जो मैं स्टॉक मार्केट से बहुत परे है, जो आज की डेट में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। एक ऐसा वायरस फैला हुआ है दोस्तों, जिसकी वजह से चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, लोग डरे हुए सहमे हुए हैं। ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ भी हो गई हैं, ऐसी ऐसी न्यूज़ भी हो गई हैं कि साउथ इंडिया से जो फ्रूट्स आ रहे हैं आपको नहीं खाना है, वो सब कंटेमिनेटेड है। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया है, WHO की साइट से कुछ मटेरियल निकाला है, कुछ कोशिश की है आपको सही दिशा में लेके जाने के लिए कि एक्चुअल में वो खतरनाक वायरस जिसको हम निपाह वायरस कह रहे हैं वो है क्या, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, उसके ट्रीटमेंट क्या है। देखिए दोस्तों, आज देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी दर्दनाक खबरें आई हैं जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें हुई हैं इस वायरस की वजह से, और जान लेते हैं कि ये वायरस है क्या। एक्चुअल में ये वायरस एक ऐसा एनिमल है जो ना तो बर्ड है ना एनिमल है, मतलब कह सकते हैं आप इसको, एक ऐसा किस्म का प्रजाति है जिसे आप रात के अंधेरे में उड़ता हुआ देख सकते हैं, जिसे हम चमगादड़ कहते हैं, बैट कहते हैं। और ये वो चमगादड़ हैं, वो बैट हैं जो फ्रूट्स पे जाके चिपक जाते हैं, उनको कंटेमिनेट करते हैं, उन्हें खाते हैं और आधा खाया हुआ छोड़ देते हैं, इसको इन्फेक्ट करके चले जाते हैं। और जो आधा खाया हुआ फ्रूट अगर हमारे घरों तक पहुँच जाता है, या उनका स्लाइवा या उनका इन्फेक्शन हमारे खून में किसी भी तरह से पहुँच जाता है, तो दोस्तों हम निपाह वायरस के एक कंटेमिनेट हो जाते हैं, हम उसके शिकार हो जाते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरफ जितने भी फ्रूट साउथ इंडिया से आने वाले हैं वो सभी के सभी कंटेमिनेटेड हो गए हैं। हमें थोड़ा सा जागरूक रहने की ज़रूरत है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो फ्रूट हम खा रहे हैं वो साबुत है। पहली चीज़ तो ये देख लें वो साबुत है, ठीक है। दूसरी चीज़, उसमें कोई भी बाइट ना हो। देखिए, पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अमरूद वही मीठा जो तोते ने खाया हो, तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि वो तोते का खाया हुआ अमरूद जो है वो हो सकता है वो हो इस बैट का खाया, उस चमगादड़ का खाया हुआ हो जो निपाह वायरस से इन्फेक्टेड है, वो आपको भी इन्फेक्शन दे सकता है। तो प्लीज़ किसी भी जानवर का आधा खाया हुआ फ्रूट आप बिल्कुल ना खाएं, ये आपको सबसे पहला प्रिकॉशन लेना है। देखिए दोस्तों, अभी ये कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे फैल रहा है, क्या ये परेशानी क्या कर रहा है, एक्चुअल में हम समझ लेते हैं निपाह वायरस है क्या। इसको हम NIV शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं। निपाह वायरस, NIV इज एन एमर्जिंग जोनोटिक पैथोजन, अ वायरस, एक किस्म का वायरस है जो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसमिट होता है एनिमल्स के द्वारा, ठीक है, जो इंसान में ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसमिट हो जाने के बाद इंसान को डिस्टर्ब कर देता है। ये सबसे पहले मलेशिया में एक जगह है कंपंग सुंगाई निपा, जिसके नाम पे इसका नाम निपाह वायरस पड़ा था, जो 1998 में सबसे पहले पिग्स, जिसको हम हिंदी में सुअर कहते हैं, पिग्स एक ऐसा एनिमल है जिसको सबसे पहले इन्फेक्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद मलेशिया सिंगापुर में कोई भी ऐसे रिपोर्टिंग नहीं आई 1998 के बाद में, पर जनरली ये जो नेचुरल होस्ट हैं जो इसको कैरी करते हैं इस वायरस को, वो बैट्स हैं जो फ्रूट बैट्स कहते हैं इनको बेसिकली। और उसके बाद 1998 के बाद 2004 में बांग्लादेश में कुछ लोगों को इन्फेक्शन हुआ था इसकी वजह से, वो जो बाय कंज्यूमिंग दी कंटेमिनेटेड फ्रूट। फैलता कैसे है? देखिए दोस्तों, वायरस है, वायरस ह्यूमन टच में आने से फैलता है, आपकी स्नीजिंग से फैलता है, आपकी खांसी से फैलता है। अगर आप सिक्रेशन जो है, पीपल सिक्रेशन है, जैसे हमारा स्लाइवा हुआ, हमने कहीं रास्ते में चलते ऐसी जगह स्पिट कर दिया, थूक दिया हमने, ठीक है, और अपने डिस्क्रिशंस हमने पब्लिक प्लेस में फेंके हैं जिसमें कंटेमिनेशन है, जिसमें वायरस का अटैक है, या हम ऐसा फ्रूट खा लेते हैं जो पार्शियली इन्फेक्टेड बैट्स के द्वारा खाया हुआ है, या हम ऐसा मीट पका लेते हैं जो ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल्स का मीट है जो ऑलरेडी जिनमें वायरस ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। या हमने देखिए साउथ की तरफ में एक ड्रिंक बहुत मशहूर है जिसे हम ताड़ी कहते हैं, ठीक है ना, जो खजूर के पेड़ से, डेट पाम जो रहता है बेसिकली, उसके पेड़ से एक सिक्रेशन होता है कि उसमें कट लगा दिया जाता है जिससे वो एक सिक्रेशन निकलता रहता है, उसको इकट्ठा करते पीते हैं। सपोज कीजिए अगर वो डेट पाम, अगर वो ताड़ी का जो पेड़ है उसको उस बैट ने, फ्रूट बैट ने अगर इन्फेक्ट किया हुआ है, तो वो जो जूस है वो भी इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अब जहाँ जहाँ ये ताड़ी ज़्यादा फेमस है, जहाँ खाई भी में जहाँ पी जाती है, तो आप समझिए थोड़ा उससे थोड़ा दूर रहने की हमें आवश्यकता ज़रूर है। देखिए इनिशियल साइन और सिम्टम्स क्या रहते हैं, जो कोई भी वायरस होगा सबसे पहले उसके सिम्टम्स आपको इनिशियल स्टेजेस पे शायद नहीं पता लगते हैं, पर धीरे धीरे आपको जुकाम होना शुरू होता है, आपका जुकाम ठीक नहीं होता है, आपका आपको फीवर होने लगता है, हाई फीवर हो जाता है, आपका गला बैठने लगता है, आपको बहुत तेज़ सरदर्द होने लगेगा, आपको वॉमिटिंग नहीं रुकेंगी, आपके मस्कुलर पेन बढ़ जाएंगी, ये बहुत कॉमन साइंस है, ठीक है। तो और इस केस में अगर आपको ऐसे कुछ भी होता है, आपको सांस लेने में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है एक किस्म का, जब आपकी ब्रीदिंग चॉक होने लगती है तो आप फैटल होने की कगार पे हो जाते हैं, ठीक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको मिलेगा, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, तो आप समझ लीजिए आप निपाह वायरस के शिकार हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, घर में कोई भी नीम हकीम का नुस्खा ना करें। प्लीज़ किसी के भी फिजिकल कॉन्टेक्ट में इन्फेक्टेड पर्सन है उसके नज़दीक से नज़दीक ना जाएँ, उसे दूर से ही
आप देखें, आपको अगर किसी अपने अपने को ऐसा वायरस हो गया है तो ऐसा नहीं है कि आपको प्यारवश या भावनावश जाके उसको छूना है, उसके साथ रहना है कि मुझे नहीं हो सकता। देखिए, बीमारी को बीमारी की तरह लिया जाए, बिल्कुल भी उसमें प्यार मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है। उसको पहले ठीक होने दिया जाए ताकि बाकी पूरी फैमिली उसे डिस्टर्ब ना हो जाए। N95 ग्रेड के जो हायर मास्क हैं वो आप यूज़ कीजिए ताकि आपको कंटेमिनेटेड या इन्फेक्टेड हवा आपके लंग्स तक ना जा सके नाक के माध्यम से। ठीक है, अपने हाथों को जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस से आते हैं उसको बिल्कुल अच्छे से साबुन से धोएं। ठीक है, और आधे कटे हुए आधे खाए हुए खुले में फ्रूट्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करने। जो फ्रूट्स आप घर में लेके आ रहे अगर वो साबुत भी हैं, देखिए दोस्तों आज के डेट में फ्रूट्स को पकाने के लिए बहुत तगड़ा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, जिसके ऊपर हम बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं। मुझे लगा कि आज स्टॉक मार्केट से ज़्यादा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक पहुँचानी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी चाहिए कि निपाह एक्चुअली है क्या। तो प्लीज़ कोई भी फ्रूट बाजार से लेकर आते तो उसको अच्छे से रिंस कीजिए, बहुत अच्छे से उसको धोइए, धोने के बाद ही उसको कंज्यूम कीजिए। प्लीज़ आप कोई भी ऐसा पाम जूस अगर लेके आते हैं तो उसको अच्छे से बॉयल कीजिए, और कुछ दिन ना ही यूज़ करें तो बेटर है, बहुत अच्छा है। और कोई भी फ्रूट काटने छीलने से पहले उसको अच्छे धोएं, वरना क्या हुआ कि वो केमिकल आपके चाकू भी लग जाएगा और आप छील देंगे उसी चाकू से तो वो आपको आपके फ्रूट को कंटेमिनेट कर सकता है। अपने घर को बंद रखें, चमगादड़ वगैरह का प्रवेश बिल्कुल ही वर्जित रहे आप प्लीज़। हालांकि शहरों में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है, गाँव की तरफ बहुत ज़्यादा होती है, बट अगर आपके आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो चमगादड़ का रात को दिखना स्वाभाविक है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो अपने रात के टाइम पे अपने खिड़की दरवाजे बहुत अच्छे से बंद रखें। ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, देखिए अभी तक इसके अनफॉर्चुनेटली कोई भी वैक्सीन या ड्रग अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसके ऊपर शोध जारी है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, तो इसलिए आपको इसके लिए कोई खास दवाई अभी नहीं है, तो इसलिए आपको अपना क्योर खुद ही करना होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं हमें हेल्थ इज़ वेल्थ, हमारी हेल्थ ही सबसे बड़ा दौलत है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम बहुत काम कर सकेंगे, कमा भी लेंगे, कमाने के बाद उस पैसे को बचा भी लेंगे, स्टॉक मार्केट में भी लगा लेंगे, मकान भी खरीद लेंगे, दुकान भी खरीद लेंगे, अच्छा खा भी लेंगे, पहन भी लेंगे, पी भी लेंगे। बट इससे पहले हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो अच्छा खाएं, ईट हेल्दी, स्टे सेफ, और इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। और प्लीज़ अपने आप को भी सुरक्षित रखें, सेफ रखें, और अपने मित्रों तक भी ये जानकारी पहुँचाने में मेरी मदद करें, आप अपनी खुद की मदद करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, ईट हेल्दी, हेल्थ इज वेल्थ।